Now we are going to discuss about the relative atomic mass and atomic mass unit. Relative atomic mass क्या होता है? Atomic mass unit क्या है? आप चाहते हैं कि आप different atoms का atomic mass find out करें, तो उसके लिए आपको एक standard बनाना होता है. जैसे कि आप 1 kg apples का weight find out करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बैलेंस के एक साइड पर 1 kg एप्पल्स रखेंगे और दूसरी साइड पर कोई स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट रखेंगे ताकि आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें. तो फॉर सपोज आपने 1 kg का वेट यूज किया मेयर करने के लिए, तो ये जो 1 kg का वेट है ये एक स्टैंडर्डाइज वेट है. आपने चीज को स्टैंडर्डाइज कर लिया है और उसके रिलेशन में उससे रिलेट करते हुए आप वेट फाइंड कर रहे हैं. इसी तरह केमिस्ट्री में अगर हम एटम्स का डिफरेंट एटम्स का वेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने उसके लिए कार्बन को एक स्टैंडर्ड बना लिया है. कार्बन के रिलेशन में हम एटम्स का वेट फाइंड आउट करते हैं और जो वेट फाइंड आउट होता है तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन या रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेशन हमने उसका बनाया है कार्बन के साथ. कार्बन का आइसोटोप 12, कार्बन आइसोटोप 12 मींस वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है. हमारे पास कार्बन 13 और कार्बन 14 भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बन के आइसोटोप्स हैं. हम कार्बन 12 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप यूज करते हैं. कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12. मैं इसे 12 स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लेती हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 इक्वल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दीजिए. समझे, आपने अब ये स्टैंडर्ड बना लिए. ये छोटे छोटे यूनिट्स, 12 जो ये यूनिट्स हैं, इसके जरिए अब आप बाकी चीजों का वेट फाइंड आउट करेंगे. समझे, ये आपके बैलेंस के वेट्स हैं. अब इसके जरिए आप अपने डिफरेंट एटम्स का वेट फाइंड आउट करना है. आपने एक कार्बन के एटम को जिसका एटॉमिक मास 12 है उसे आपने छोटे छोटे 12 यूनिट्स में डिवाइड कर लिया. अब ये 12 यूनिट्स आपका स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है, इसके जरिए आप बाकी एटम्स का वेट फाइंड आउट करेंगे. फॉर सपोज मैं चाहती हूँ मैं हाइड्रोजन का वेट फाइंड आउट करूँ. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है वैसे 1 होता है, लेकिन अगर ना पता हो, फॉर सपोज मुझे नहीं पता कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो मैंने बैलेंस में, फॉर सपोज एक फिजिकल बैलेंस में हाइड्रोजन का एक एटम रखा और दूसरी साइड पर अब मैं कार्बन के यूनिट्स रखकर चेक करूंगी कि इसका कितना एटॉमिक मास है. तो पहले मैं एक यूनिट रखूंगी कार्बन का, ठीक है. कार्बन को 12 यूनिट्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे इक्वल 12 यूनिट्स में मैंने कार्बन का एक यूनिट रखा. अब मैं चेक कर रही हूँ तो ये बैलेंस हो गया. सो दैट मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 के इक्वल. तो 1 AMU हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है. ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है. रिलेटिव एटॉमिक मास मींस कि मैंने कार्बन के रिलेशन में ये एटॉमिक मास फाइंड आउट किया है. अब मैं चाहती हूँ हीलियम का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना. तो मैं फॉर सपोज, वैसे तो हम बैलेंस के जरिए नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे फाइंड आउट होगा हीलियम का एटॉमिक मास. मुझे नहीं पता, फॉर सपोज मैंने बैलेंस के एक साइड पर हीलियम रखा, हीलियम का एटम रखा, दूसरी साइड पर पहले मैंने एक एटम का यूनिट रखा, तो ये बैलेंस नहीं हुआ, इसका वेट हैवियर हो गया. ये हैवी था, अभी भी हैवी था. तो मैं चाहती हूँ मुझे पता लगे इसका वेट कितना, मैं बैलेंस करना चाहती हूँ. तो मैंने कार्बन के 2 यूनिट्स रखे, अब ये बैलेंस हो गया. सो दैट मीन्स हीलियम का एटॉमिक मास है 2. तो कार्बन को हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है और कार्बन के जरिए हम हर एलिमेंट के एटम्स का वेट फाइंड आउट करते हैं. अब फॉर सपोज मैं सोडियम का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना चाहती हूँ. वैसे तो हमें पता है कि 23 है, लेकिन अगर फॉर सपोज नहीं पता होता और हम इसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे करते? कार्बन के जरिए करते, क्योंकि कार्बन को हमने स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया है.
एक साइड पर मैंने सोडियम का एटम रखा और दूसरी साइड पर अब मैं क्या रखूंगी कि ये बैलेंस हो जाए? जी, मैं कार्बन के 24 यूनिट्स रखूंगी। 24 कार्बन के यूनिट्स रखने से ये होगा कि ये बैलेंस हो जाएगा। तो 24 कार्बन के यूनिट्स रखने के बाद जब ये बैलेंस हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि कार्बन के 24 यूनिट्स मिलकर सोडियम का एटॉमिक मास बना रहे हैं। सो दैट मींस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। ये 23 रिलेटिव एटॉमिक मास है, मींस मैंने कार्बन के रिलेशन में फाइंड आउट किया है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम। ये एटम का एवरेज मास होता है एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि कार्बन का मास 12 होता है तो मैंने उसका एक यूनिट लिया है, उसको 12 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है और एक एक यूनिट के जरिए, एक यूनिट के मास के जरिए मैं बाकी जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनका मास फाइंड आउट करती हूँ। तो ये कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। जो यूनिट यूज होता है उस यूनिट को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू होता है, बराबर होता है 1.66 एक्सपोनेंट 10 की पावर -24 ग्राम्स। एक यूनिट यानी कि वन एटॉमिक मास यूनिट का जो ग्राम्स में मास होता है वो होता है 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम्स। अब लेटेस्ट जो है वो यूनिट हम AMU की जगह लिखते हैं U। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, कि हमने यूनिफाई कर लिया है मास को। अब जो न्यू लेटेस्ट यूनिट यूज होता है इंस्टेड ऑफ AMU, दैट इज यूनिफाइड मास। ये था आपका टॉपिक रिलेटेड टू रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट।